हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट दिव्यम और आप देख रहे हैं वाहू चैनल एंड आई वेलकम यू ऑल टू द इंश्योरेंस ए टू जेड सीरीज। फ्रेंड्स, इस सीरीज के पिछले पार्ट में हमने देखा था कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के क्या क्या शॉर्टकमिंग्स हैं और कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस उसको कैसे पूरा करता है। तो हर इंश्योरेंस कंपनी अपना एक जनरल पॉलिसी प्लान बना के रखती है जिसमें वो कुछ कुछ चीजें कवर करती है और कुछ कुछ छोड़ देती है। अब इसी को वो कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस के नाम पे बेचती हैं, लेकिन वो इसके साथ साथ एक लिस्ट देती हैं जिसमें आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन कौन सी चीजें एडिशनली परचेज करनी है आपके इंश्योरेंस के टाइम पे। इसके लिए आप एक्स्ट्रा प्रीमियम भी देंगे। इन्हीं एक्स्ट्रा लिस्ट ऑफ आइटम्स को हम एड ऑन्स कहते हैं। इस वीडियो में हम मोस्ट पॉपुलर एड ऑन्स की बात करेंगे और साथ के साथ ये देखेंगे कि आपको अपनी गाड़ी के लिए ये एड ऑन परचेज करना चाहिए कि नहीं। So, let's start the topic. इसको हम nil depreciation, bumper to bumper car insurance या फिर depreciation waiver के नाम से भी जानते हैं। जब भी आप गाड़ी के लिए क्लेम फाइल करते हैं तो कंपनी आपको depreciation काट के बाकी अमाउंट दे देती है। अगर आप चाहते हैं कि ये depreciation ना कटे तो आपको जीरो depreciation कवर लेना पड़ेगा। फॉर example, आपका एक्सीडेंट होता है और आप वर्कशॉप में जाके देखते हैं कि मेरा खर्चा जो आ रहा है रिपेयर का वो आ रहा है 20,000, लेकिन क्योंकि गाड़ी पुरानी है तो कुछ कुछ डेप्रिसिएशन की वजह से 6,000 का जो अमाउंट है वो कट जाएगा। तो अगर आपने जीरो डेप्रिसिएशन कवर लिया होगा तो कंपनी आपको 20,000 दे देगी विदाउट एनी डिडक्शन। डेप्रिसिएशन टाइम के साथ साथ बढ़ता जाता है तो ये एक अच्छा कवर हो सकता है जिसको आप कंसिडर कर सकते हैं। जीरो डेप्रिसिएशन कवर का जो आप एडिशनल प्रीमियम पे करने वाले हैं वो तीन चीजों पे डिपेंड करता है। नंबर वन इज आपकी गाड़ी की एज कितनी हो चुकी है। जैसे जैसे गाड़ी पुरानी होगी डेप्रिसिएशन बढ़ेगा तो कंपनी आपसे ज्यादा प्रीमियम चार्ज करेगी। नंबर टू इज आपकी गाड़ी का मॉडल कौन सा है, उसके स्पेयर पार्ट्स कितने कॉस्टली हैं, ये सारा मार्केट सर्वे के हिसाब से भी प्रीमियम कम ज्यादा हो सकता है। नंबर थ्री इज लोकेशन, आप गाड़ी कहाँ पे चलाते हैं। क्या आप बड़ी सिटी में रहते हैं जहाँ पे एक्सीडेंट्स होने के खतरे ज्यादा हैं, तब भी आपका प्रीमियम ज्यादा हो सकता है। जीरो डेप्रिसिएशन के बारे में कुछ क्विक फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। नंबर वन इज ये कवर नई गाड़ियों के लिए, कुछ कंपनीज इसको पहले 3 साल के लिए देती हैं, कुछ पहले 5 साल के लिए भी देती हैं। द कैच इज जैसे जैसे गाड़ी पुरानी होती जाएगी तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट बढ़ता जाएगा, तो ना तो कस्टमर चाहेगा इसको लेना क्योंकि प्रीमियम बढ़ जाएगा, ना ही कंपनी इसका रिस्क अफोर्ड कर पाएगी। नंबर टू इज आपकी गाड़ी में जनरल मैकेनिकल ब्रेकडाउन या कोई इलेक्ट्रिकल फेलियर हो रहा है वो सब इसमें काउंट नहीं होगा, क्योंकि गाड़ी के हर पार्ट का एक रनिंग टाइम होता है और टाइम के साथ साथ उनको चेंज कराना पड़ेगा, वो सब इसमें काउंट नहीं होता है। नंबर थ्री इज डिडक्टेबल्स। याद है मैंने पार्ट वन में आपको बताया था कि डिडक्टेबल्स कंपल्सरी और वॉलंटरी दो टाइप्स के होते हैं। तो जो आपने पहले से ही डिसाइड कर लिया कि आप पे करने वाले हैं तो वो तो किसी भी इंश्योरेंस में कवर नहीं हो सकता, तो जीरो डेप्रिसिएशन में भी डिडक्टेबल्स कवर नहीं होते हैं। सो किसको जीरो डेप्रिसिएशन कंसिडर करना चाहिए, जो भी नई गाड़ी ले रहा है डेफिनेटली गो फॉर जीरो डेप्रिसिएशन, क्योंकि कुछ सालों बाद ये कवर आपको वैसे ही नहीं मिलने वाला। नंबर टू इज आपकी गाड़ी में आप छोटी मोटी कॉस्ट भी खुद पे नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी सब कुछ पे करे, तो आपको जीरो डेप्रिसिएशन डेफिनेटली लेना चाहिए। शायद ज़्यादातर लोग इस एड ऑन को कंसिडर ही नहीं करते क्योंकि वो इसके बारे में कम जानते हैं। अगर आप एक बार इसके बारे में जान लेंगे तो आप भी अपनी नई गाड़ी के लिए इसको डेफिनेटली परचेज करेंगे। तो जब भी हम नई गाड़ी के लिए क्लेम फाइल करते हैं तो हमें सिर्फ उतना ही वैल्यू मिलता है जितना हमारे इंश्योरेंस में IDV लिस्टेड है, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। और IDV में डेप्रिसिएशन काउंट होता है लेकिन रिटर्न टू इनवॉइस में कोई डेप्रिसिएशन काउंट नहीं होता। अब आप कहेंगे ये तो जीरो डेप्रिसिएशन के बराबर ही हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी छोटा मोटा डेंट या स्क्रैच आ जाता है तो उसको हम जीरो डेप्रिसिएशन में कवर कर लेते हैं। लेकिन अगर आपकी गाड़ी में कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस हो जाए, यानी कि गाड़ी इतनी खराब हो गई है कि वो रिपेयर के लायक ही नहीं बचे, या फिर आपकी गाड़ी चोरी हो जाए, तो ऐसे में जब टोटल लॉस हो गया, गाड़ी आपके सामने है ही नहीं अब, तो आपको नई गाड़ी लेनी है, तो रिटर्न टू इनवॉइस कवर आपको उस समय हेल्प करता है और आपको जो लास्ट इनवॉइस वैल्यू होती है यानी कि जितने की आपने गाड़ी ली थी वो सारा का सारा वैल्यू आपको वापस ला के देता है। अब मैं आपको जीरो डेप्रिसिएशन और रिटर्न टू इनवॉइस में फर्क बताता हूँ थ्रू एन एग्जाम्पल। मान लीजिए एक गाड़ी का एक्स शोरूम वैल्यू है 8,00,000 रुपए और उस पर रफली वन टाइम रोड टैक्स लगा 60,000, उस पर आपने रजिस्ट्री चार्जेस दिए 40,000,
टोटल गाड़ी पड़ी आपको 9 लाख ऑन रोड। इसके बाद भी कुछ कुछ चार्जेस हैं, लेकिन ये 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं जो कि ऑन रोड प्राइस में कंसिडर किए जाते हैं। तो गाड़ी होगी 9 लाख की। अब पहले 6 महीने बाद ही आपकी गाड़ी में हुआ मेजर एक्सीडेंट और उसमें आपकी गाड़ी इस हद तक खराब हो गई है कि वो एक शीट मेटल का बस पीस लग रही है, वो चलाने लायक बची नहीं है, एक एक पुर्जा खराब हो चुका है। तो ऐसे में अगर आपने 0 डेप्रिसिएशन लिया होगा तो आपको एक्स शोरूम वैल्यू पे 6 मंथ्स के हिसाब से 5% डेप्रिसिएशन माइनस करके आपको 7,60,000 रुपये मिलेंगे। लेकिन अगर आपने रिटर्न टू इनवॉइस कवर लिया हुआ है तो 9 लाख आपने पे की थी वो सारी की सारी वापस मिल जाएगी। इतना फर्क आ जाता है 0 डेप्रिसिएशन और रिटर्न टू इनवॉइस कवर में। यहाँ पे मैं आपको कुछ क्विक फैक्ट्स बता देता हूँ रिटर्न टू इनवॉइस के। नंबर 1, आपने जो पुरानी गाड़ी ले रखी थी वो कितने की थी ऑन रोड, और अब नई गाड़ी सेम जो मिल रही है मार्केट में वो कितने की है, इन दोनों में से जो कम प्राइस होगा आपको वो मिलेगा एट द टाइम ऑफ क्लेम। नंबर 2 इज रिटर्न इनवॉइस कवर भी 0 डेप्रिसिएशन की तरह नई गाड़ियों के लिए ही है, तो 3 साल या 5 साल तक ही मिलता है, उसके बाद आपको ये कवर मिलता ही नहीं है। नंबर 3 इज अगर आपकी गाड़ी रिपेयरेबल स्टेट में है, अगर उसको रिपेयर किया जा सकता है और उसकी वैल्यू IDV से कम आ रही है तो उसको रिपेयर किया जाएगा और रिटर्न टू इनवॉइस कवर यूज नहीं कर सकते आप। आपको 0 डेप्रिसिएशन या अपने नॉर्मल कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस प्लान में ही उसको ठीक कराना पड़ेगा। नंबर 4 इज इनकेस आपका व्हीकल चोरी हो जाता है और जब आप क्लेम लेने जाते हैं तो आपके पास व्हीकल के प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है या आपने कोई FIR नहीं दर्ज कराई हुई, तो ऐसे में कंपनी को पता ही नहीं लग पाता कि वाकई में व्हीकल चोरी भी हुआ है कि नहीं, तो ऐसे में भी आपको क्लेम मिलने में काफी दिक्कत आ सकती है। तो किसको ये एड ऑन परचेज करना चाहिए? मेरे ख्याल से जब भी आप नई गाड़ी ले रहे हैं तो पहले साल आपको रिटर्न टू इनवॉइस कवर ले लेना चाहिए। और उसके अलावा अगर आप बहुत एक्सपेंसिव गाड़ी ओन करते हैं, एक्सपेंसिव का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने ऑडी या BMW ली हुई है, आपने अपनी गाड़ी बहुत ज़्यादा मेहनत करके कुछ पैसे इकट्ठे करके ली है और अगर इसमें कोई लॉस हो जाता है तो आप शायद वो गाड़ी दोबारा नहीं ले पाएंगे, तब भी आपको ये एड ऑन बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। कंज्यूमेबल हर वो आइटम है जो टाइम के साथ साथ या तो यूजअप हो जाती है और ख़त्म हो जाती है या फिर टाइम के साथ साथ इतनी ख़राब हो जाती है कि उसकी कोई रीसेल वैल्यू ही नहीं बचती। अगर आप फ्यूल को छोड़ दें, पेट्रोल, डीजल, CNG इनको साइड रखें, तो लगभग सारे फ्लूइड्स इसमें कवर हो जाते हैं। इंजन ऑयल, पावर स्टीयरिंग ऑयल, ब्रेक ऑयल, ट्रांसमिशन ऑयल, ग्रीस, जनरल लुब्रिकेंट, इवन कूलेंट, AC की गैस, उसके अलावा नट बोल्ट्स, उसके अलावा एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, ये सब कुछ कंज्यूमेबल्स में आ जाता है। और ये सारे पार्ट्स किसी भी इंश्योरेंस में जनरली कवर्ड नहीं होते, इसीलिए आपको ये एड ऑन परचेज करने की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स को भी अपनी इंश्योरेंस में कवर करना चाहते हैं, गो फॉर दिस एड ऑन। इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी सामने से ठुकती है और आपका रेडिएटर डैमेज हो जाता है, अब रेडिएटर डैमेज हुआ तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉबिबिलिटी है कि कूलेंट भी वहीं लीक हो गया होगा, तो आपकी जनरल कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस में रेडिएटर की तो प्राइस जो है वो रिइंबर्स हो जाएगी, लेकिन जो कूलेंट वहाँ पे वेस्ट हुआ ना उसको दोबारा से टॉपअप कराने के लिए आपको इंश्योरेंस वाले पैसा नहीं देंगे। लेकिन अगर आपने कंज्यूमेबल एड ऑन कवर ले रखा है तो इस कूलेंट का भी जो प्राइस है वो आपको मिल जाएगा। अब आपको लग रहा होगा ये तो छोटे मोटे प्राइस होते हैं, आपके रेफरेंस के लिए बता दूं कूलेंट का प्राइस छोटी से बड़ी गाड़ी में 1,000 से लेकर 5,000 तक भी जा सकता है। तो आप ये कैलकुलेशन पहले से करके रखिए कि आपको इस एड ऑन की जरूरत है या नहीं। कंज्यूमेबल एड ऑन के क्विक फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। ये एड ऑन आपको सिर्फ ओन डैमेज पे मिलता है, आपकी अपनी गाड़ी में कोई डैमेज होगा सिर्फ तभी मिलेगा। थर्ड पार्टी का कोई नुकसान हुआ आपकी वजह से तो उसके कंज्यूमेबल्स का खर्चा आपकी कंपनी नहीं देखेगी। इवन कॉन्सिक्वेंशियल डैमेज, आपकी गाड़ी खड़ी हुई है और उसमें कोई डैमेज हुआ हुआ है और उसके बाद अगर कोई भी डैमेज होता है आपके इंजन में तो वो सब इसमें कवर नहीं होगा, उसके लिए आपको सेपरेट एड ऑन परचेज करने पड़ेंगे। ये एड ऑन सिर्फ नई गाड़ियों के लिए है, तो डिपेंडिंग ऑन योर इंश्योरेंस कंपनी ये पहले 3 या 5 साल के लिए ही वैलिड होता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज अगर आप कंज्यूमेबल एड ऑन का फायदा उठाना चाहते हैं तो आपको 3 दिन के अंदर अंदर, वैसे द गुड प्रैक्टिस इज आप 24 घंटे के अंदर अंदर अपनी कंपनी को इन्फॉर्म करें कि आपकी गाड़ी में क्या डैमेज हुआ है, ताकि वो आपको कभी भी क्लेम लेने से रिजेक्ट ना कर सके। ये प्रॉबेबली हमारी लिस्ट में सबसे ज़्यादा सस्ता एड ऑन है और मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल भी है।
चलते चलते आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आ जाती है और आप अकेले खड़े हैं वहां पे, आपको हेल्प करने के लिए कोई नहीं है। प्रॉब्लम किसी भी तरह की हो सकती है, जैसे आपकी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही, बैटरी डाउन हो चुकी है, रात के समय में हेडलाइट नहीं ऑन हो रही है, गाड़ी में पेट्रोल नहीं बचा, आपका टायर जो है पंचर हो चुका है। ये सारी चीजें जो है आपकी गाड़ी को और आपको काफी प्रॉब्लम में डाल सकती हैं। तो ऐसे में रोड साइड असिस्टेंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एड ऑन हो जाता है। इसमें क्या क्या कवर होता है मैं आपको क्विकली बता देता हूँ। आप बीच सड़क में खड़े हैं और आपको कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो कंपनी अपने टेक्नीशियन को भेजती है और जो भी आपको हेल्प रिक्वायर्ड है वो आपको दी जाती है। फॉर इंस्टेंस आपकी गाड़ी की बैटरी जो है वो डिस्चार्ज हो चुकी है तो उसको जंप स्टार्ट करना है या नई बैटरी दिलवानी है, या फिर आपकी गाड़ी में टायर जो है वो पंचर हो चुका है तो उस पंचर टायर को ठीक करना आपको आता नहीं, या आप इतने बुजुर्ग हैं कि आपको डॉक्टर ने ही मना किया है ये काम करने से, तो आपकी गाड़ी का टायर जो है वो रिप्लेस करना, उसकी रीफिटिंग करना, या फिर आप अपनी गाड़ी की चाबियां कहीं भूल चुके हैं या अंदर रह गई है, तो ऐसे में भी टेक्नीशियन आपकी गाड़ी का दरवाजा खोल सकता है या फिर आपके घर से भी स्पेयर कीज कलेक्ट करके आप तक पहुंचा सकता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आपका एक्सीडेंट हुआ है और वहां पे आपको ही हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत पड़ रही है तो आपको एट द साइट ऑफ एक्सीडेंट से हॉस्पिटल तक लेके जाना, ये सब भी रोड साइड असिस्टेंस में आ जाता है। तो काफी ज्यादा कुछ कवर कर लेता है। हालांकि यहाँ पे ये बात नोट करने वाली है कि कुछ कंपनीज आपसे भी पैसा मांगती हैं, जैसे कि आपका फ्यूल खत्म हो गया और फ्यूल भरना है तो 5 लीटर फ्यूल आपकी गाड़ी में डाला जाएगा और आपको कहा जाएगा कि इसका पैसा हमें दे दीजिए। बट स्टिल जब आप सड़क पे अकेले खड़े हैं तो उस टाइम पे मेरी बात मानिए, आप 500, 1000, 2000 भी खर्चने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपने पहले से इंश्योरेंस ले रखी है तो काफी कुछ कवर हो जाता है। तो ये इंश्योरेंस हर उस आदमी के लिए जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को फिक्स करना नहीं जानता, या फिर नई नई गाड़ी चलानी सीखी है, या फिर एक नई जगह पे गाड़ी चला रहा है जहां पे उसको रिपेयर शॉप्स का ही नहीं पता है, तो ये इंश्योरेंस आपको हर हाल में ले लेनी चाहिए। इसमें काफी तरह के एड ऑन्स आ जाते हैं। नंबर वन इज पर्सनल एक्सीडेंट। आपको गाड़ी चलाते चलाते कोई भी चोट लगती है या वर्स्ट केस में आपकी डेथ हो जाती है तो जो कंपनी आपको पे करने वाली है वो तभी करेगी अगर आपने ये एड ऑन लिया होगा। लेकिन ये बात मैंने आपको पहले इसलिए नहीं बताई क्योंकि सरकार ने सिर्फ ये कहा है कि आपके पास कोई ना कोई पॉलिसी होनी चाहिए जिसकी वजह से आपका डेथ और डिसेबिलिटी कवर्ड हो, वो कोई भी हो, चाहे आप गाड़ी के केस में अलग से ले रहे हैं एक्सीडेंट कवर या आपने लाइफ इंश्योरेंस ऑलरेडी परचेज किया, कोई भी चलेगा। इसके अलावा आपके साथ जो पैसेंजर्स बैठे हुए हैं उनकी आप अलग से इंश्योरेंस करा सकते हैं। ये इंश्योरेंस 10,000 के मल्टीपल्स में होती है कि आपको एट द टाइम ऑफ डेथ कितना अमाउंट चाहिए उसी हिसाब से आप प्रीमियम भी पे करेंगे। इसके अलावा एक और चीज़ ज़रूरी है, अगर ड्राइवर आपके लिए गाड़ी चलाता है तो वर्कमैन्स कॉम्पनसेशन एक्ट 1923 के तहत ये कहा गया है कि आपका कोई भी एम्प्लॉई अगर आपके लिए काम करते करते इंजर हो जाता है या उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी जो भी कॉम्पनसेशन बनेगी वो देना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप ऐसे में अपने ड्राइवर के लिए भी एक्सीडेंट कवर परचेज कर सकते हैं जो बहुत ही नॉमिनल से अमाउंट में आपको मिल जाएगा। तो किसको पर्सनल एक्सीडेंट या पैसेंजर एक्सीडेंट लेना चाहिए? ड्राइवर के लिए तो आप डेफिनेटली ले लीजिए, लेकिन अगर आपने LIC लिया हुआ है तो अपने लिए तो नहीं लेने की जरूरत। इवन फॉर पैसेंजर्स ऑल्सो मैं नहीं कहूंगा कि आपको ये एड ऑन परचेज करना चाहिए क्योंकि एट द टाइम ऑफ क्लेम जो कॉम्पनसेशन अमाउंट आपको मिल रहा है वो बहुत ही मिनिमल है। इंजन जनरली खराब नहीं होता, बहुत सोफिस्टिकेटेडली डिजाइन चीज है, लेकिन स्टिल आपकी गाड़ी की एज के चलते जनरल वियर एंड टीयर बढ़ती जाती है तो इंजन वो आउटपुट नहीं देता जो वो पहले देता था, तो ये चीज़ तो वैसे ही किसी भी इंश्योरेंस में कवर नहीं होएगी। लेकिन अगर आपकी गाड़ी में ऑलरेडी कोई डैमेज हुआ हुआ है और उसके बावजूद भी आप गाड़ी चलाते रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके डैशबोर्ड पे एक वार्निंग लाइट आ रही है कि आपका इंजन का ऑयल कम है, या फिर इंजन में कोई मैलफंक्शन हुआ हुआ है, मैलफंक्शन लाइट ऑन है, स्टिल आप इंजन को चलाते हैं, तो जो डैमेज होगा उसको हम कॉन्सिक्वेंशियल डैमेज कहते हैं, पर ये मोस्टली बाकी इंश्योरेंसेस में कवर नहीं होता। लेकिन अगर आपने इंजन प्रोटेक्शन कवर लिया हुआ है तो मोस्टली आपके इंजन के इंटरनल पार्ट्स, स्टेयरिंग, ब्रेक्स, डिफरेंशियल, ट्रांसमिशन, काफी पार्ट्स इसमें कवर हो जाते हैं, और एट द टाइम ऑफ मिस हैपनिंग या फिर आपकी वजह से ही कोई गलती हुई है तो आपको क्लेम लेने में हेल्प होती है। तो किस किस को इंजन प्रोटेक्शन कवर लेना चाहिए? मेरी राय में आपको इस एड ऑन की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर आपकी वजह से इंजन खराब हो रहा है, आप शायद ड्राइविंग अच्छी तरह नहीं करते तभी इंजन तक डैमेज पहुंच सकता है। तो बजाय कि इस एड ऑन पे खर्चा करने के, अपनी ड्राइविंग टेक्निक्स को सुधारिए और फालतू के खर्चों से बचिए।
आपने कई बार सुना होगा हाईवे पे चलते चलते टायर बर्स्ट हो गया, या फिर आपके टायर के साइड वॉल में काफी सारे क्रैक्स हैं और टायर यूजेबल फॉर्म में नहीं लग रहा, उसको चेंज कराना पड़ेगा, या फिर आपके टायर में कोई बल्जिंग हो चुकी है जिसकी वजह से टायर जब भी घूमता है ना एक बाउंसिंग इफेक्ट देता है जो चलते हुए काफी डिस्टर्ब करता है। इस सारे केस में जब भी आपका टायर रिप्लेस किया जाएगा या रीफिट किया जाएगा, उसमें जो लेबर कॉस्ट आएगी ये सारा का सारा इस एड ऑन में कवर कर दिया जाता है। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मान लीजिए आपके नए टायर की कॉस्ट है 6,000 रुपये, तो आपको रिप्लेसमेंट के टाइम पे कंपनी 6,000 नहीं देने वाली, क्योंकि जो पुराना टायर उतारा गया है उसकी ट्रेड डेप्थ देखी जाएगी कि वो कितना और यूज किया जा सकता था, उसके हिसाब से प्रो राटा बेसिस पे आपको कॉम्पनसेशन मिलेगी। अब कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पे टायर प्रोटेक्शन कवर भी आपके टायर को कवर नहीं करता है, वो कौन से केसेस हैं? नंबर वन, आपका टायर पंचर हो गया और आप कहते हैं मैं टायर यूज नहीं करना चाहता, तो कंपनी कहेगी डेफिनेटली हम इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं करेंगे। या आप अपनी गाड़ी रेसिंग के लिए यूज करते हैं, ड्रिफ्ट के लिए यूज करते हैं, तो कंपनी के सर्वेयर बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है और वो देख के बता देंगे कि ये टायर आपने खुद डेलिबरेटली डैमेज किया है, तो ऐसे में भी आपको कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिलने वाली। या फिर ऑलरेडी कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है आपके टायर में, तो ऐसे में आपको टायर कंपनी की तरफ से तो हेल्प मिल सकती है, बट इंश्योरेंस कंपनी से कोई हेल्प नहीं मिलेगी। तो किसको टायर प्रोटेक्शन कवर परचेज करना चाहिए? अगेन आई विल से, अगर आपकी ड्राइविंग हैबिट्स बहुत अच्छी हैं तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल अगर आप चाहते हैं कि आपके टायर्स भी आपके इंश्योरेंस में कवर्ड हों, तो यू कैन गो फॉर दिस एड ऑन। नो क्लेम बोनस मैं ऑलरेडी पुराने पार्ट्स में कवर अप कर चुका हूँ, तो ये टाइम के साथ साथ आपने देखा है बढ़ता जाता है, और अगर आप कोई क्लेम ना लें तो एज इट इज रहेगा, लेकिन अगर आप क्लेम ले लेते हैं तो ये सडनली जीरो पे गिर जाता है। पर अगर आप चाहते हैं कि क्लेम लेने के बावजूद मेरा नो क्लेम बोनस का डिस्काउंट बना रहे, तो आपको डेफिनेटली एड ऑन परचेज करना चाहिए। इसका लिमिटेशन ये है कि कुछ कुछ कंपनीज आपको पहले से ही लिमिट कर देती हैं इसके यूज़ के लिए, कि आप साल में सिर्फ एक बार क्लेम करेंगे तभी ये एड ऑन का फायदा है, उसके बाद आप करते हैं तो आपका एनसीबी फिर से जीरो पे आएगा। आपकी गाड़ी का आईडीवी है 2,00,000, तो ऐसे में आपको सिर्फ और सिर्फ 50,000 का क्लेम अलाउड है, इससे ऊपर अगर आप करेंगे तब भी आपका एनसीबी जीरो होगा। तो ये सारी कैलकुलेशंस आपको देखनी पड़ती हैं और उसके बाद ही आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इस कवर की ज़रूरत है कि नहीं। आफ्टर कवरिंग सो मैनी एड ऑन्स, आपकी गाड़ी के लिए आपको कौन सा एड ऑन चाहिए ये आपको अपने लिए कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। और ये भी याद रखें कि जो भी एड ऑन आप परचेज कर रहे हैं उसके लिए आप पहले से ही अपनी कंपनी से बात करें कि इसमें एग्जैक्टली क्या क्या कवर्ड है और एट द टाइम ऑफ क्लेम मेरे को ये चीज़ें स्पेसिफिकली मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। लेकिन ऑन अ जनरल लेवल मैं आपको एडवाइस देता हूँ कि जब भी आपकी गाड़ी नई हो तो आप उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा एड ऑन परचेज कीजिए, लेकिन जैसे जैसे गाड़ी की एज होती जा रही है और पुरानी होती जा रही है तो एड ऑन को कम करते जाइए, ताकि आपका प्रीमियम का अमाउंट भी कम होता जाए। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये यूजफुल लगा तो आप इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और मैं आपसे मिलता हूँ जल्द ही एक नए पार्ट में। टिल देन, बाय।